एक गांव में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक प्रेतनी। उसके मन में बड़ा शौक था कि बामन के घर बहू बनकर घर संसार करे। अरे बहू, तालाब के घाट पर गाय बंधी हुई है, लाकर गौशाला में बांध दे। जाती हूँ माँ, हाथ का काम निपटा लूँ। ना ना, देर मत कर, सांझ होने को है, अंधेरा होने के पहले गाय को गौशाला में ले आ, घर का काम मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो जाती हूँ। जल्दी लौटना बहू, वो रास्ता अच्छा नहीं, रास्ते में फिर वो जामुन का पेड़ है। आप फिक्र न करें माँ, सांझ होने में बहुत देर है, मैं गई और आई। सावधान रहना, अपना जूड़ा जरा कस कर बांध ले, देख कहीं खुल न जाए। धौली ओ धौली, धौली ओ धौली, धौली धौली रे ओ धौली। उफ, तुझसे सका नहीं जा सकता, घास पत्ता छोड़, यहाँ क्या खाने आई है? डंडे की मार, पांडे जी ने देखा होता तो छोड़ते नहीं तुझे। चल अब घर चल। सुना है जगह अच्छी नहीं, आपको डर नहीं लगता? मुझे कैसा डर, अब तो जाने का समय है, अब तो पांव मसान में है, मेरा कोई क्या करेगा। इस जामुन पेड़ पर एक दुष्ट प्रेतनी है, मौका मिलते ही सुना है किसी को नहीं छोड़ती। मैं चलूं, मुझे मुझे देर हो गई। चली जाना, दोपहरी ठहरो ना। मुझे जाने दीजिए, मुझे कैसा डर सा लग रहा है। डर कैसा, मैं हूँ ना। ओ हाँ, इतनी की बात कर रहे थे उसे देखा नहीं, पर सुना है बहुत कुरूप भयानक है, देखते बदन का खून जम जाता है। ठीक कहा, देखते ही बदन का खून जम जाता है, कुरूप।
गोशाले बांधाऊं। माँ, आपके बेटे तो अभी तक लौटे नहीं? सनातन आज लौटेगा नहीं, कल रात लौटेगा, कहला भेजा है। रसोई बैठा दिया। भोजन तो बन गया माँ। ये क्या लकड़ी कहाँ मिली? घर में तो जलावन था नहीं। वो सुबह ही सब इंतजाम कर रसोई बना लिया। अरे वाह, बहू इतनी कामकाजी कब हो गई? जिसे कपड़ा धोते दिन निकल जाता, वो कामकाज में इतनी तेज हो गई कैसे? कांतो, मिशेल घर की बहू ना? हाँ जी मौसी जी, लेकिन आपको ठीक पहचान नहीं पाई मैं। मैं शुकुल घर की बहू। ओ अच्छा, पर इस समय यहाँ क्या कर रही है? सुना है जगह अच्छी नहीं, आपको डर नहीं लगता? मुझे कैसा डर, अब तो जाने का समय है, अब तो पाँव मसान में है, मेरा कोई क्या करेगा? इस जामुन पेड़ पर एक दुष्ट प्रेतनी है, मौका मिलते ही सुना है किसी को नहीं छोड़ती। मैं चलूं, मुझे मुझे देर हो गई। मुझे जाने दीजिए, मुझे कैसा डर सा लग रहा है। डर कैसा, मैं हूँ ना। ओ हाँ, प्रेतनी की बात कर रहे थे ना, उसे तुमने देखा है? कैसी दिखती है वो? मैंने कभी उसे देखा नहीं, पर सुना है बहुत कुरूप भयानक है, देखते बदन का खून जम जाता है। ठीक कहा, देखते ही बदन का खून जम जाता है। Ha ha ha!
हाथ से छूट गई थी। मैं उससे ताकत में पार पाती। उफ, कितना दौड़ाया उसने मुझे। उफ, हाँफ गई। जाऊं, इसे गोशाले बांध आऊं। माँ, आपके बेटे तो अभी तक लौटे नहीं? सनातन आज लौटेगा नहीं, कल रात लौटेगा, कहला भेजा है। रसोई बैठा दिया। भोजन तो बन गया माँ। ये क्या लकड़ी कहाँ मिली? घर में तो जलावन था नहीं। वो सुबह ही सब इंतजाम कर रसोई बना लिया। अरे वाह, बहू इतनी कामकाजी कब हो गई? जिसे कपड़ा धोते दिन निकल जाता, वो कामकाज में इतनी तेज हो गई कैसे? ये बहू ने आज अपनी थाली में 10 गुना ज्यादा परोसा है। हाँ, इतनी मेहनत जो की है, भूख तो लगेगी ही। दाल बहुत अच्छी बनी है बहू रानी, एक फाँक नींबू हो तो। नींबू लेगी माँ? ठहरी, मैं अभी लाती हूँ। हे भगवान, ये क्या देखा मैंने? ये मेरी वही बहू है या बहू का रूप धरे कोई प्रेतनी है? अभी चुप ही रहूं, बेटा लौटे तो उसे सब बताऊंगी। माँ। कौन, सनातन आ गया? हाँ माँ, तुम्हारी बहू की आवाज नहीं आ रही है, कहाँ है वो? बहू रसोई में है, तुमसे कुछ कहना है। क्या बात? ओ, आप समझा, ये तुम्हारी बहू नहीं, ये है प्रेतनी। इसने जरूर तुम्हारी बहू को जामुन के पेड़ पर छुपा रखा है। तभी घर लौटने के रास्ते पर मुझे लगा उस पेड़ से कोई मुझे पुकार रहा है। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं ओझा के पास जाता हूँ। ज्यादा देर हुई तो तुम्हारी असली बहू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रेतनी को कुछ बताना नहीं। चामुंडाई विच्चे बाबा, बाबा है, बाबा। क्या चाहिए? बड़ी बड़ी मुसीबत में आपके पास आया हूँ बाबा। कैसी मुसीबत? क्या हुआ बोल, सुनो। माँ, आपके बेटे आए थे ऐसा लगा, कहाँ गए? कौन, सनातन? वैद्य बुलाने गया है, अभी लौट आएगा। वैद्य बुलाने क्यों, कौन बीमार है?
वो तुझे कहा था ना, मेरे बात का दर्द बढ़ गया है, इसलिए वो आ गए। रिंग रिंग छटमट कटास भुत भुतड़े छटमट चटास। वो वैद्य का वो एक ओझा है, ओझा क्या करेगा? ओझा तेरी खोपड़ी तोड़ेगा। मैंने अब क्या किया? माँ माँ उसे जाने को कहिए, उसे मैं सह नहीं पा रही। ओझा खोपड़ी नहीं सहे कैसे, इस झाड़ू की माँ तो और भी नहीं सह पाएगी। डांग डुंग डांग खिड़ी मीड़ी कड़ाक डायनी प्रेती की गर्दन तोड़ दूं बड़ा। मैं प्रेतनी क्यों होने लगी भला? क्या क्या उल्टा पुल्टा बक रहे हो? मैं हूँ इस घर की बहू। हो तो ये ले तेरी दवा, हल्दी जली सरसों झुलसे की तू बरसों। संसार कराता हूं तुझे। ओम कुड़ुंग बांग बस भूत प्रेतनी चुड़ैल सभी मेरे बस। पहले इस घर की बहू वापस ला, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। हल्दी जली सरसों मारू झाड़ू जोर से। तू चली जाएगी इसका क्या प्रमाण? बहू को लेकर आ, उसके बाद ये गांव छोड़कर चली जा, नहीं तो हल्दी जली सरसों। ये लोग अपने
खाते समय नीम डाल तोड़ती जाना, भूल मत जाना। उसके बाद प्रीतनी सचमुच भाग गई। बहुरानी को होश आ गया। इसके बाद ब्राह्मणी बेटी बहू के साथ सुख शांति से घर चलाने लगी। मेरी कहानी खत्म हुई। लज्जावती मुरझा गई।